दशहरा मेले के मंच से दिया विवादित और भड़काऊ बयान। संभल में भाजपा नेता ने रामलीला के मंच से भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि जो लोग संभल की धरती से तालिबान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों की जीभ काट देनी चाहिए, यही नहीं उन्हें देश और प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। दरअसल यह वीडियो भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का है, जो संभल सदर के दशहरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयानबाजी की। राजेश सिंघल ने आतंकवाद पर बोलना शुरू किया, कहा कि संभल की धरती से तालिबान का समर्थन करने वालों की आवाज़ निकलती है, ऐसे तालिबानियों का मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, ऐसी भाषा बोलने वालों की जुबान को काटना पड़ेगा, यही नहीं ऐसे तालिबानियों को ना संभल में और ना ही प्रदेश में और ना ही देश में रहने दिया जाएगा। राजेश सिंघल ने कुछ क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान राम ने सेना बनाई थी और उस सेना के अंदर सभी जाति के लोग थे, उसके अंदर वाल्मीकि समाज भी था, उसके अंदर जाटव समाज भी था, प्रजापति समाज भी था, कश्यप समाज भी था, पाल समाज भी था, सैनी समाज भी था और हम बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर हमें अपने समाज के ऊपर यदि कभी संकट आए, अपने धर्म के ऊपर यदि कभी संकट आए, तो आपको एकजुट होकर इसी प्रकार से मुकाबला करना होगा। जिस प्रकार से देश के अंदर आतंकवाद की घटनाएं हुआ करती थी और आज इस संभल क्षेत्र की धरती से आवाज निकलती है तालिबान का समर्थन करने वालों की, तालिबान का समर्थन करने वालों की आवाज निकलती है। भाइयों, इन तालिबानियों का मुकाबला करने के लिए भी हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा और उनकी जवान को फिर से काटना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो ताकतें हैं, जो इस प्रकार की तालिबान की भाषा बोलने वाले ये लोग हैं, हम किसी कीमत पर इस संभल क्षेत्र के अंदर, इस पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर तालिबानी समर्थकों को न हम टिकने देंगे, न हम पनपने देंगे, न हम पनपने देंगे। इस प्रकार का माहौल बनाते हुए हम सब लोग एकजुटता के साथ, भाइयों बहुत से लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम होनी चाहिए, अरे हम भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम होनी चाहिए, परंतु वो लोग बोलते हैं जो सांप्रदायिक लोग हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता करना चाहते हैं। अरे भाइयों, हिंदू मुस्लिम एकता केवल गोल टोपी पहनने से नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम एकता तभी कायम होगी कि तुम गोल टोपी पहनो और तुम हमारे माथे पर तिलक लगाओ, तभी हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। एक तरफ टोपी पहनिए और एक तरफ तिलक लगाने का काम करेंगे, तभी हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। परंतु ये कहने से